गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्वेचर के लिए ही निकालने का न्यूटन्स मेथड पर काम किए थे, जिसमें किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पर निकालने के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। और आज उसी के अगले कड़ी में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए इसका जबकि पेडल कर्व दिया हो तब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें। तो पेडल कर्व का मतलब होता है कि व्हेन एन इक्वेशन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आर एंड टी देन द इक्वेशन इज नोन एज पेडल फॉर्म। और ए पेडल कर्व कैन बी ऑब्टेंड बाय टेकिंग द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द टेंजेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट दिस इज द कर्व OX, P is this point, PR, theta, and OY, this OY be P, small p, length of perpendicular P, and this is your R, and this relation is phi. Then the locus of Y is known as pedal curve, ठीक है? इसी का निकालना है, खैर ये हमको pedal curve के लिए जानना था basic. अब क्या है इसमें, एक पहले फिगर बना लेते हैं। सपोज दैट ओ पॉइंट, दिस इज योर पी पॉइंट, एंड सपोज दैट अदर पॉइंट इज P dash, P point पर जो perpendicular हो गया, and P dash when moves to this, suppose that the radius of curvature is C, or C be the center of curvature, therefore this is known as the radius of curvature. O is the pole or origin. This is your initial line. Join OP. Then you know that this is equal to R and this is equal to theta, right? Join this OC, ठीक है? तो क्या हो गया इसमें, ये हो गया रो, ये हो गया R, ठीक है? And you know that this angle is phi, so write since a curve and a circle of curvature at any point, at any point P इंटरसेक्ट, क्या कह रहे हैं, कर्व सर्किल यानी सर्किल ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी इंटरसेक्ट ऑन कहां पर, ऑन थ्री कंटिजिनस, थ्री कंटिजिनस एंड अल्टीमेटली कॉन्सिडेंट, अल्टीमेटली कॉन्सिडेंट, ठीक है, पॉइंट्स दे आर, दे मे बी कर्वेचर एट एनी पॉइंट इंटरसेक्ट ऑन दीज थ्री कंटिजिनस एंड अल्टीमेटली कॉन्सिडेंट पॉइंट्स and they may be regarded as having having two
कंटीन्यूअस टेंजेंट्स कम, ठीक, किसी भी कर्व के लिए होगा, जबकि अल्टीमेटली इसमें हम थ्री इसके आप बहुत निकट का पॉइंट लेंगे, तो आप जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग अगर इसका कोऑर्डिनेट है आर थीटा, इसका कोऑर्डिनेट आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा, और वेरिएशन जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का होगा ये सपोज दैट दिस इज इक्वल टू वाई एंड पी, तो पी डैश पर अगर हम टेंजेंट खींचेंगे इसका जो वेरिएशन होगा उसके वेरिएशन को हम पी प्लस डेल्टा पी से लिख सकते हैं एंड विच विल बी वेरी क्लोज, पी और पी डैश इज अल्टीमेटली जो दोनों पर टेंजेंट होगा ये कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है, एंड देयरफॉर, ठीक है, वैल्यूज ऑफ आर प्लस डेल्टा आर एंड यहां से टेंजेंट खींचेंगे किसके लिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी प्लस डेल्टा पी, हमको आर पी में रिलेशन निकालना है, सो वैल्यूज ऑफ आर प्लस डेल्टा आर एंड पी प्लस डेल्टा पी आर आर कॉमन इन एडिशन टू इन एडिशन टू दोज ऑफ आर एंड पी, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे क्या ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ इसका द वैल्यू ऑफ डी आर बाय डी पी इज कॉमन, डी आर बाय डी पी का वैल्यू दोनों के लिए ही दोनों पॉइंट के लिए कॉमन होगा इसमें, ठीक है, अब क्या है, लेट ओ बी द पोल और यू मे से ऑरिजिन, पोल एंड सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट corresponding to the point P, R theta कर दीजिए, P R theta, no, only P on the curve, ठीक है, अब देखिए तब इस ट्रायंगल से क्या मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल से देखिए क्या मिल जाएगा, then यूज कोसाइन फॉर्मूला दैट इज ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ओसी स्क्वायर गिव्स आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस टू आर रो इनटू कोसाइन ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल दैट इज ओ पी सी, बट यू नो दैट दिस इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स दिस 90 एंड दिस इज इक्वल टू साइज, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 माइनस साइज, तो ये कितना मिल गया एंगल 90 डिग्री माइनस साइन एंड कॉस 90 माइनस साइन इट गिव्स साइन साइन एंड देयरफॉर ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस टू आर रो कॉस 90 माइनस साइन एंड विच गिव्स साइन साइन, ठीक है, अब आइए क्या हो गया इस ट्रायंगल में, आइए यहां से क्या मिल जाएगा, दिस पी पी बिकम्स कितना P इज इक्वल टू आर साइन फाइव, दैट मीन्स ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस टू रो इंटू पी, राइट नंबर वन,
अब यहां क्या देख रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर गिवन कर्व के लिए ओसी, ओ तो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिए, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड सिमिलरली रो इज कांस्टेंट, राइट। देयरफॉर ये लिख सकते हैं इसको, कंसीडरिंग दिस, ये बात समझ गए, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग वन राइट विथ रिगार्ड टू पी वी गेट, क्या मिल जाएगा, बात समझ गए इसमें, ओसी क्या है कांस्टेंट है, रो क्या है कांस्टेंट है, और गिवन कर्व एक दिए गए कर्व के लिए क्योंकि सर्किल ऑफ कर्वेचर जो इसका मिलेगा वो फिक्स होगा, दैट मींस जीरो इज इक्वल टू आर स्क्वायर का हो गया टू आर डी आर बाई डी पी प्लस जीरो, रो इज कांस्टेंट सो टू रो और पी का डेरिवेटिव वन हो गया, दैट मींस रो इज रो कैन बी ऑब्टेंड बाय दिस। ये एक मेथड है, अच्छा मेथड है, हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि अभी निकालेंगे पेडल फॉर्म में, इसको हम दूसरे तरह से भी निकाल ले सकते हैं, इसी फिगर के लिए बना देते हैं, फिगर में स्लाइड चेंज करके इसको हम निकाल सकते हैं अल्टरनेटिव में, अल्टरनेटिव। अब क्या करते हैं इसमें, हम एक इस पार्ट को डालें, बस इतना डालें, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड भी इसका होगा, बस फिगर को डिस्क्राइब कर लेंगे कि लेट अस सपोज दैट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व एंड टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल हियर साई विद एक्स एक्सिस as this is the polar coordinate of the point, therefore this angle is theta and this angle between tangent and the radius vector is phi and therefore psi must be equal to theta plus phi because this is the exterior angle is sum of opposite interior angles, right? So you can write psi is equal to theta plus phi, ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको क्या करेंगे now, differentiating with respect to s, then we get d psi by ds is equal to d theta by ds plus d phi by ds, right? Or you can write d psi by ds is equal to d by ds of theta plus phi. Right, number one. And let us suppose that OY, जो यहाँ पर है, OY is equal to P be the length of perpendicular, है ना? Drawn from या OY be length नहीं बोलिए, OY is equal to P be the perpendicular from O to the tangent at P, ठीक है, therefore OI is equal to P and P is equal to this tangent, you know that R sine phi, so differentiating with regard to R, then we get dP by dr is equal to, इसका क्या हो गया, अब देखते हैं R constant, sin phi का हो गया cos phi, so write R cos phi, और फिर phi का R के regard में d phi by dr, plus sin phi constant R का हो गया 1, now we can write dp by dr is equal to r cos phi, और cos phi मतलब कितना, dr by ds, and write d phi by dr,
plus sin phi. You know that sin phi is equal to r d theta by ds. Because you know that cos phi is equal to dr by ds and sin phi is equal to r ds by r d theta by ds. तो उसके आधार पर लिख सकते हैं कितना. अब देखते हैं क्या मिल गया. इट इज इक्वल टू आर, दोनों में कॉमन, और ये आर आर के रिगार्ड में है, सो वी कैन राइट आर कॉमन डी फाइव बाय डी एस प्लस डी थीटा बाय डी एस. सो अप्लाइंग वन वी गेट, देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिखे थे डी साइ बाय डी एस by using 1, and you know that this is equal to, yeah, therefore we can write dp by dr is equal to, this is 1 by rho into r, or rho is equal to r dp by dr, which gives the formula. ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, and it is very easy. इन टू फॉर्म, लेकिन पहला फॉर्म ज्यादा बेहतर होगा बनाना, सेकेंड फॉर्म में चूंकि बहुत सा एप्लीकेशन दूसरे ढंग का है तो उसको छोड़ सकते हैं, एंड इट इज वेरी जनरल मेथड. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पोलर कर्व. ठीक है, इसको हटा दें. नेक्स्ट मेथड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पोलर फॉर्म. इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है मैंने दो तरह का उधर कर लिए, इसको नेक्स्ट डे करेंगे, इसके आगे एक और है पोलर टेंडेंसी, दोनों को साफ करेंगे. इसमें क्या है कि व्हेन द कर्व इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, देन वी अप्लाई दिस रिजल्ट, है ना. तो इस तरह से इसका करेंगे, और फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे. ओके, थैंक यू.